तो आपने देश और दुनिया में हजारों खूबसूरत मस्जिदें देखी और सुनी होंगी, लेकिन आज हम जिस मस्जिद के बारे में आपको बताएंगे वो अपने आप में बेमिसाल है। शाही मस्जिद मुंगेर जिले से 36 किलोमीटर दूर हवेली खड़गपुर में बनी एक ऐसी मस्जिद है जिसके नाम से ही इसके अव्वल होने की तस्दीक हो जाती है। शाही मस्जिद के मायने हैं ऐसी मस्जिद जिसका निर्माण मुगल शासक के शासनकाल में हुआ हो। इस मस्जिद के पूर्व चेयरमैन इनामुल हक के मुताबिक मस्जिद का निर्माण करीब 385 साल पहले यानी 1633 ईस्वी में करवाया गया था। उस वक्त के राजा टोडर मल के संतान राजा विहरोज ने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। कहा जाता है कि राजा विहरोज ने दिल्ली के शासक शाहजहां से मिलने के बाद इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था और फिर हवेली खड़गपुर आने के बाद इस मस्जिद का निर्माण करवाया। यह भी कहा जाता है कि राजा विहरोज जब दिल्ली शाहजहां से मिलने गए थे तब वहां दिल्ली का जामा मस्जिद देखा था। जामा मस्जिद इतना पसंद आया कि उन्होंने ठीक जामा मस्जिद के जैसे ही हवेली खड़गपुर के शाही मस्जिद का निर्माण करवाया। इस मस्जिद के भीतर प्रवेश करते ही आपको एक विशाल आंगन नजर आएगा जिसका क्षेत्रफल 14 डिसमिल है। मस्जिद की लंबाई 78 फीट है जबकि 55 फीट चौड़ाई है। इस मस्जिद में एक साथ 2000 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। सफेद रंग की इस शाही मस्जिद में 3 बड़े गुंबद के अलावा 10 मीनारें हैं जो प्राचीन स्थापत्य का बेहतरीन नमूना है। इस मस्जिद की दीवारें और सेहन देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगाने के लिए कारीगरों ने हर तरफ ध्यान दिया है। जब आप मस्जिद के अंदर बने हॉल में जाएंगे तो यहाँ आपको बने दीवारों में मुगल काल की बेहतरीन कसीदाकारी देखने को मिलेगी। ये कसीदाकारी इस तरह बराबर नजर आती है जिसे देखकर लगता है कि बनाने वालों ने इसे खूबसूरत बनाने के लिए जी जान से मेहनत की हो। इस मस्जिद में दाखिल होने के लिए एक बड़ा सा दरवाजा बनवाया गया था। हालांकि इन दिनों आबादी बढ़ने के कारण मस्जिद में भीड़ होने से एक और दरवाजा बनवाया गया है। सफेद रंगों में लिपटी इस शाही मस्जिद को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि आप ताजमहल को देख रहे हों। हालांकि यह भी कहा जाता है कि यह मस्जिद दिल्ली के जामा मस्जिद से बिल्कुल मिलता जुलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि दिल्ली का जामा मस्जिद लाल पत्थर का बना है और यह शाही मस्जिद सफेद पत्थर से बनाया गया है। शाही मस्जिद 1984 में वक्फ बोर्ड के अंदर रजिस्टर हुआ है। इस मस्जिद में ईद, बकरीद और जुमा की नमाज के अलावा 5 वक्त की नमाजें पढ़ाई जाती है। इस मस्जिद में मोहम्मद साहब का नूर मुबारक भी है जिसका हर साल जियारत करवाया जाता है। भले ही ये मस्जिद आंकड़ों की नजर में अव्वल ना हो, लेकिन जब आसपास की इमारत से इसके खूबसूरत झलक को देखते हैं तो खुद ब खुद इस बात का गौरव महसूस होता है कि ये मस्जिद खूबसूरती में अव्वल ही है। टीम मुंबई ब्रेकिंग न्यूज़।